जाएगी। अरुणाचल एक्सप्रेस से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम लोग करेंगे ट्रेन की यात्रा अरुणाचल एक्सप्रेस 22/4/12 जो भी आनंद विहार से अरुणाचल तक जाती है नालगौड़गंज। और साथ है सोनू जी एंड मोनू जी। आज का वीडियो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ऐसे ही डेली ब्लॉग्स बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, आपको टेस्टी तो लगेगा ही, जो भी फालतू चीज है सब बच्चों को टेस्टी तो लगता ही है। क्यों पुष्कर जी, समय हो गया 2:35, टाइम है 4:45 पे। तो अभी ट्रेन का वेट हो रहा है और आज का मौसम बहुत ठंडा है, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है। और आज तारीख है 6 तारीख। अरुणाचल एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, अब ये किसी भी समय प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। ये हमारी अरुणाचल एक्सप्रेस आ गई है 22/4/12 जो कि आनंद विहार से जाएगी। मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं वो अरुणाचल एक्सप्रेस है जिसका ट्रेन नंबर है 22/4/12। ये 4:45 पे आनंद विहार से चलती है और सुबह 6 बजे मेरे को सिवान उतार देगी। और बहुत अच्छी ट्रेन है, फुल्ली एसी है। 13 बोगी इसमें जो है 3 टायर AC के हैं, 4 बोगी 2 टायर के हैं और 1 बोगी जो है फर्स्ट क्लास है। और ट्रेन काफी अच्छी है और जो भी भाई सिवान जाना चाहते हैं, गोपालगंज जाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट और अच्छी ट्रेन है। अरुणाचल एक्सप्रेस में चढ़ गए हैं। अब यहाँ का मैं आपको सबसे पहले टॉयलेट दिखाता हूँ, उसके बाद से फिर अपनी सीट दिखाता हूँ। नाइस, बहुत साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है कि लाइट है। पानी आ रहा है और काफी साफ सफाई है और अच्छा है। और ये हमारी ट्रेन खुल गई है। क्यों पुष्कर जी, हमारी ट्रेन चल रही है। अभी जस्ट हम लोगों ने साहिबाबाद क्रॉस किया है, हालांकि साहिबाबाद पे इसका स्टॉपेज नहीं है, इसका सेकंड जो स्टॉपेज है वो है कानपुर सेंट्रल। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं अरुणाचल एक्सप्रेस 22/4/12 में जो कि 4:45 पे आनंद विहार से खुलती है। ट्रेन बहुत अच्छी है और जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो करती है 2100 किलोमीटर जो कि 38 घंटे में पूरा करती है। अगर एवरेज देखा जाए तो 55 किलोमीटर पर आवर एवरेज है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला चाय लिया है, चाय का कलर तो अच्छा है, पी के देखते हैं कैसा लग रहा है। क्यों तोलू जी, पिया जाए? तोलू जी के कहने से थोड़ा पी के देखते हैं। ये देखिए 7:45 और सफाई नंबर 1 है इस ट्रेन में। इस ट्रेन में अपना खुद का एक पेंट्री है और अच्छा खाना मिलता है, बट मैं घर से खाना लेके आया था इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन अब ट्रेन में खाना स्टार्ट हो गया।
अरुणाचल एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से चल के आई है वो रात के 9:40 पे कानपुर सेंट्रल में पहुंच गई है। बाहर का मौसम बहुत खराब है, जबरदस्त बारिश हो रही है और ठंड का मौसम है। 428 किलोमीटर का इसने दूरी सफर तय कर लिया है। लंबे रूट होने के बावजूद ये ट्रेन जो है टाइम से है। हमारी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल से निकल गई है। अब नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा वो पड़ेगा लखनऊ का। बारिश हो रहा है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, बड़ा जबरदस्त फॉग भी है, मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा है, बट उसके बावजूद भी हमारी ट्रेन जो है आगे चल रही है और उम्मीद है कि हम लोग ऑन टाइम पहुंचेंगे। जी सो रहे हैं, काफी देर तक पापा से बात करने के बाद अब नींद आ गई है मोलू जी को। और एसी ट्रेन में हमारे तोलू जी को पसीना पसीना हो रहा है। देखिए मम्मा से अपना जैकेट खुलवा रहे हैं। क्यों बेटा, एसी ट्रेन में भी आपको पसीना हो रहा है? फाइनली हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। समय हो रहा है 4:10 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हैं हम लोग। और हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है सिवान, जो कि 6 के आसपास पहुंचेगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेशन जो है वो पड़ेगा सिवान। ट्रेन जो है गोरखपुर टाइम से पहुंची है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और हम लोग अब निकलेंगे सिवान के लिए। जिनके पास ज्यादा सामान हो यहाँ पे भी रैक पे रख सकते हैं ताकि उतारने में आसानी रहे, जैसे मैंने रख दिया है। और यहीं से नजदीक में हमारा गेट है, यहीं से हमें उतरना है। चाय पीना है क्या? चाय चाय कर रहे हो? अब आप भाई अगर आपको प्लेन के ड्राइवर तो वहाँ से थोड़ी ना, यहाँ से ट्रेन चली है। नहीं तो यहाँ से कोई ड्राइवर से मिलने का रास्ता नहीं, यहाँ से वहाँ से। अच्छा बज गए हैं 10 में हम लोग अपने स्टेशन उतर जाएंगे सिवान स्टेशन। और तोलू मोलू के साथ सफर का पता नहीं चला, बहुत अच्छा सफर रहा, फर्स्ट ब्लॉग तोलू मोलू का। और ट्रेन बहुत साफ सफाई है और चैनल को लाइक करना ना भूलें। ट्रेन में सबसे मोस्ट कॉमन चीज दिखने वाली क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। उतरिए धीरे से। ये ऑन टाइम हम लोग सिवान पहुंच गए हैं 6:15 पे। फाइनली दोस्तों हम अपने घर आ गए हैं साधु चौक गोपालगंज में। ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज का लवली मॉर्निंग में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि अभी मैं नया हूं और मुझे आप लोगों का सपोर्ट की सख्त जरूरत है। और आज मैं फर्स्ट ब्लॉग अपलोड करूंगा तोलू मोलू के साथ ट्रेन जर्नी का। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।